राजकुमार राव अपनी शानदार एक्टिंग से फिर से सबका दिल जीत लेते हैं, लेकिन इस बार उनका किरदार ऐसा लगता है मानो वो भूतनी से डरने के बजाय उससे डेटिंग करने की सोच रहे हों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे ताज़ा और मज़ेदार फिल्म रिव्यूज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, स्त्री 2। इस फिल्म ने हॉरर और कॉमेडी का ऐसा तड़का लगाया है कि दर्शक हंसते हंसते डर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। फिल्म का पोस्टर दिखाया जाता है, पोस्ट स्त्री 2 इंच, वही शहर, वही लोग, वही डर और वही हंसी के ठहाके लेकर फिर से लौटी है। लेकिन इस बार कहानी और भी ट्विस्ट और रहस्यों से भरी हुई है। अगर आपको पहली फिल्म पसंद आई थी तो यकीन मानिए ये फिल्म भी आपको निराश नहीं करेगी। फिल्म की शुरुआत होती है चंदेरी नामक छोटे से शहर से, जहां स्त्री नाम की चुड़ैल फिर से लोगों को डरा रही है। विकी, जो पहले से ही इस चुड़ैल से टकरा चुका है, अब फिर से अपने दोस्तों के साथ तैयार है इस नए खतरे से निपटने के लिए। लेकिन इस बार मामला थोड़ा और पेचीदा हो गया है। फिल्म में नए किरदारों की एंट्री और स्त्री की बढ़ती शक्तियां कहानी को और भी दिलचस्प बना देती हैं। स्त्री 2 में सरकाटा एक नए और खतरनाक भूत का नाम है। इसे सरकाटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने शिकार के सिर को काट देता है और सिर को अपने साथ ले जाता है। इस भूत का डरावना और खून खराबे वाला स्वभाव फिल्म में नए मोड़ लाता है। सरकाटा का आतंक उस छोटे से गांव में फैल जाता है जहां स्त्री का डर पहले से ही मौजूद था। इस नए भूत के आने से गांव के लोगों के बीच और भी ज्यादा खौफ फैल जाता है और उन्हें स्त्री और सरकाटा दोनों से निपटने के लिए नए तरीके खोजने पड़ते हैं। अब बात करते हैं एक्टिंग की। राजकुमार राव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हर रोल में फिट बैठते हैं। विकी के किरदार में उनकी मासूमियत और स्मार्टनेस दोनों ही खूब दिखती हैं। वहीं अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी ने अपने किरदारों में जान डाल दी है। दोनों की कॉमिक टाइमिंग गजब की है और हर सीन में उनकी मौजूदगी फिल्म को और भी मजेदार बना देती है। अब आते हैं श्रद्धा कपूर पर। उनका किरदार इस बार और भी रहस्यमयी और शक्तिशाली है। श्रद्धा ने अपनी एक्टिंग से किरदार में गहराई ला दी है, जिससे दर्शक अंत तक उनकी सच्चाई जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। फिल्म में उनकी एंट्री से कहानी में नया मोड़ आता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। होस्ट, अगर हॉरर की बात करें तो स्त्री 2 इंच ने इस बार और भी डरावने सीन्स दिए हैं। हालांकि फिल्म में हॉरर के साथ साथ कॉमेडी का भी भरपूर तड़का है, जिससे डर का माहौल भी हल्का हो जाता है। लेकिन कुछ सीन ऐसे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स की बात करें तो उन्होंने कहानी में जान डाल दी है। खासकर डरावने सीन्स में साउंड इफेक्ट्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। म्यूजिक स्कोर ने डर और सस्पेंस को और भी उभार दिया है। फिल्म के कुछ एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं। पोस्ट एक्शन सीन्स की बात करें तो फिल्म में ज्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन जो भी सीन है वो अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं। स्त्री के साथ विकी और उसके दोस्तों की लड़ाई में फिल्म का सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच जाता है। कट 2 कहानी के ट्विस्ट पर चर्चा। पोस्ट स्त्री 2 इंच की कहानी में कई ऐसे ट्विस्ट हैं जो दर्शकों को चौंका देते हैं। खासकर फिल्म के क्लाइमेक्स में एक बड़ा रहस्योद्घाटन होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। फिल्म का अंत ऐसा रखा गया है कि एक और सीक्वल की संभावना बनी रहे, लेकिन हर फिल्म में कुछ न कुछ कमी तो होती ही है। स्त्री 2 इंच की सबसे बड़ी कमी शायद ये है कि कुछ सीन्स में कहानी थोड़ी खिंच जाती है। कुछ जगहों पर आपको लगेगा कि कहानी को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था। हालांकि ये छोटी मोटी कमियां हैं, लेकिन फिल्म के कुल प्रभाव को ज्यादा प्रभावित नहीं करती। होस्ट, तो कुल मिलाकर स्त्री 2 इंच वही डर, वही मस्ती और वही रोमांच लेकर आई है जिसकी उम्मीद थी। अगर आप हॉरर कॉमेडी के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों के साथ इसे देखना और भी मजेदार होगा, तो जाइए और इस फिल्म का मजा लीजिए। होस्ट की क्लोजअप शॉट, होस्ट, और हाँ, अगर आपने स्त्री 2 इंच देख ली है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और मजेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।